वेलकम बैक टू फ्यूचर जॉब अलर्ट। आपका हमारे चैनल फ्यूचर जॉब अलर्ट पर स्वागत है। न्यू रिक्वायरमेंट आई है, एसएससी सीएचएसएल की वैकेंसीज आई हैं, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। क्या क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या क्या एज क्राइटेरिया रहेगा, एग्जाम शेड्यूल और आपका पेपर, सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे कि क्या क्या विषय आएंगे, क्या क्या नहीं आएंगे, सीबीटी एग्जाम कब होगा। टोटली सीएचएसएल के ऊपर, वैकेंसीज के ऊपर हम चर्चा करेंगे, कब से फॉर्म अप्लाई होगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर हमारे लिए काफ़ी कीमती रहेगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भर्ती का लिंक, फॉर्म लिंक और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ से आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। समय समय पर भर्ती के नोटिफिकेशन पीडीएफ वगैरह हम डालते रहते हैं, तो आप वहाँ से जरूर ज्वाइन करें हमें। एसएससी सीएचएसएल 10+2 लेवल एग्जाम 2022 के जो अभी ये 2022 की भर्ती रहेगी, पोस्ट जो आपकी सीएचएसएल की रहेगी, 4500 पोस्ट निकली हुई है अभी हाल फिलहाल। आपकी जो है 4500 पोस्ट है, 4500 पोस्ट पर आप अप्लाई कर सकते हो। करंट कंडीशन ये है कि 4500 पोस्ट आपके ऑनलाइन है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12वीं पास रहेगा, इसमें किसी भी फॉर्म से आपने कर रखी हो, 12वीं कॉमर्स से कर रखी हो, प्लस टू जो है आपने आर्ट से कर रखी हो, मैथ से कर रखी हो, कॉमर्स से कर रखी हो, साइंस से कर रखी हो, मेन है 12वीं पास हुआ। 4/1/2023 एज क्राइटेरिया रहेगा आपका, 18 से 27 साल एज होनी चाहिए आपकी, और एज आपकी 1/1/2022 के अनुसार आपकी एज होनी चाहिए। इसमें जो है आपके फॉर्म की जो लास्ट डेट रहेगी वो 4/1/2023 आपके फॉर्म की लास्ट डेट रहेगी। लास्ट डेट आपके फॉर्म की लास्ट डेट 4/1/2023 आपके फॉर्म की लास्ट डेट रहेगी। आपका एज क्राइटेरिया 2/1/1995 से 1/1/2004 के बीच में होना चाहिए। 18 से 27 साल आपकी एज होनी चाहिए, जो कि 1/1/2022 के अनुसार आपकी काउंट की जाएगी इससे पहले। और बिटवीन किस से किसके बीच में होनी चाहिए, 2/1/1995 से 1/1/2004 के बीच में जिस किसी की भी एज है वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। 80/ST कैटेगरी को 5 साल की आयु में छूट मिलेगी, OBC कैटेगरी को 3 वर्ष की आयु में छूट मिलेगी। ये आपकी जो छूट मिलेगी वो इयर्स है, 5 किस में मिलेगी, 80/ST में, और 3 इयर्स की आपको एज रिलेशन मिलेगा ओबीसी कैटेगरी के अंदर। फॉर्म स्टार्ट जो है आपके 6/12/2022 के अनुसार आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, 6 तारीख से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। 4/1/2023 तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, उसके बाद में आपके फॉर्म फिलअप नहीं होंगे, एंड डेट है आपके फॉर्म की, एंड डेट है। करेक्शन जो आप 9/1/2023 तक, 9 तारीख तक आप करेक्शन कर सकते हो, 4 से लेके 9 तारीख तक आप करेक्शन कर सकते हो। सैलरी, एजुकेशन आपको बता दिया, 12वीं पास, सैलरी क्या रहेगी, LDC JSC, इसके अंदर आपको LDC और JSC DEO अगर आप लगते हो तो आपको 25,000 रुपए से लेके सैलरी 81,000 रुपए तक आपको सैलरी दी जाएगी, और LDC और JSC अगर आप लगते हो तो 19,000 रुपए से 63,000 रुपए तक आपको सैलरी दिया जाएगा। ये एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको अलॉट होंगे, आप LDC में जा रहे हो, अच्छे स्कोर से आपने कर रखा है तो DEO में जाओगे, नहीं तो LDC JSC लेवल टू में जाओगे तो 19,000 से 63,000 रुपए तक बेसिक पे रहेगी आपकी, 19,000 रुपए बेसिक पे रहेगी। DEO लेवल 4 की रहेगी, जिसकी बेसिक पेमेंट जो आपकी 25,000 रुपए रहेगी। ये अगर 25,000 रुपए है तो आपको स्टार्टिंग ईयर फर्स्ट ईयर में आपको करीबन 32 से 34,000 रुपए के बीच में सैलरी मिलेगी फर्स्ट ईयर। इसमें लेवल टू में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो 19,000 रुपए बेसिक होगी, तो आपके अकाउंट में जो सैलरी आएगी वो करीबन ये लगा लीजिएगा कि आपकी फर्स्ट ईयर 27,500 रुपए के करीब, आपकी फर्स्ट ईयर पहले साल के अंदर 27,500 रुपए आपकी सैलरी आएगी। अब आ गया आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा आपका। टायर 1 और टायर 2
दो लेवल आपको पार करनी होगी, उसके बाद में आपका सिलेक्शन होगा, उसके बाद में आपको स्किल टेस्ट देनी पड़ेगी, टाइपिंग टेस्ट, उसके बाद में आपका स्किल टेस्ट होगा, दो टायर वन टायर टू, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। टायर वन में क्या क्या रहेगा, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी, जनरल इंटेलिजेंस रहेगी और आपकी जनरल अवेयरनेस रहेगी। ये आपके क्वेश्चन इंटेटिव एप्स के रहेंगे, जो कि नेगेटिव मार्किंग जो है 0.5 की रहेगी, इंग्लिश रहेगी, जनरल इंटेलिजेंस रहेगी, इंग्लिश रीजनिंग, मैथ, जीके, ये चीजें रहेंगी आपकी, जो कि आपके क्वेश्चन आएंगे 25 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपकी जो 25 क्वेश्चन 50 नंबर के होंगे, 25 क्वेश्चन 50 नंबर के होंगे, टोटल आपको 60 मिनट दी जाएंगी, 50, 50, 100 और 100, 100, 200 नंबर का आपका एग्जाम आएगा टायर वन का। 60 मिनट मिलेंगे, एक घंटा मिलेगा आपको उसमें सोल्व करनी होगी। अब आपका बच गया टायर टू, 2 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा आपको टायर टू के अंदर। सेकंड जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी, फर्स्ट टायर वन में नेगेटिव मार्किंग 0.5 की रहेगी, 1/5 की, मतलब हाफ, 1/2 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। टायर टू 2 घंटे 15 मिनट के लिए आपको दिया जाएगा। सेक्शन वन के अंदर आपको मैथ, रीजनिंग, जीआई, जनरल इंटेलिजेंस, मैथ, रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस, मैथ के 30 क्वेश्चन आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के आपको 30 क्वेश्चन आएंगे। 30 क्वेश्चन जो है आपके 90 नंबर के होंगे, 30 क्वेश्चन आपके 90 नंबर के होंगे, ये एक घंटा समय ये मिलेगा। और सेक्शन टू के अंदर आपको इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, जो कि 40 क्वेश्चन आएंगे और 120 नंबर के होंगे, तीन नंबर का एक क्वेश्चन होगा इसमें। जनरल अवेयरनेस आएगी 20 क्वेश्चन आएंगे, जो कि तीन नंबर का एक होगा, 300 गुणा कर दीजिएगा, 60 नंबर हो गए। और कंप्यूटर नॉलेज आएगी आपकी 15 क्वेश्चन आएंगे, जो कि आपके 45 नंबर के होंगे। 15 क्वेश्चन जो 45 जो आपको कंप्यूटर नॉलेज के 15 क्वेश्चन आएंगे, उनके लिए 15 मिनट मिलेंगे, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के लिए आपको एक घंटा मिलेगा। स्किल टेस्ट के लिए DEO आएगा, जो कि 15 मिनट का होगा। डाटा आपको जो है कंप्यूटर टेस्ट, स्किल टेस्ट के लिए जो डाटा काउंट करना होगा, जो टाइपिंग होगी वो 15 मिनट की होगी। अगर आप हमारे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं, तो आप हमारे चैनल फ्यूचर जॉब अलर्ट को सब्सक्राइब करें और यहाँ पे आपको समय समय पर अनेक प्रकार की वीडियोज इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी, आप उन्हें जरूर वीडियो को देखते रहें। थैंक यू।